Hi guys, I hope I'm visible and audible. Can you guys please quickly confirm this? If I'm visible and audible to all of you? एक बार ये कंफर्म कर लो अगर मैं विजिबल हूँ ऑडिबल हूँ सबको। ओके परफेक्ट गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गुड टू सी यू ऑल हियर आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे आज भी इस क्लास में ठीक है। विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन करंट अफेयर्स लाइक ऑलवेज। तो दिस इज गोइंग टू बी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिविजन सेशन इन द करंट अफेयर्स महाराजा सीरीज जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। So we'll try to discuss a lot of new topics, a lot of new discussions will happen in this class. Right? तो मैं 30 सेकेंड में स्टार्ट करता हूँ, मेरे को बस 1 सेकेंड दो है ना, I'll just be back. तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको। राइट सीए में मॉक्स प्लस कंपेंडियम आपकी क्लास के नोट्स। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मॉक्स कंपेंडियम और नोट्स डेफिनेटली ये चीजें कर सकते हो ठीक है। यू कैन गो विद दीज थिंग्स एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट विद दिस सेशन ठीक है। फटाफट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो चलो यार लेट्स बिगिन विद दिस देन है ना, स्टार्ट कर देते हैं। ओके परफेक्ट परफेक्ट गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक फॉर क्लैट 23 एस्पिरेंट्स वी हैव अ न्यू 1 month सब्सक्रिप्शन ऑफर फॉर यू गाइस। तो दिस इज लाइक द लीस्ट प्राइस दैट अकेडमी हैज लॉन्च्ड दिस राइट नाउ। तो दिस 2999 फॉर यू गाइस। तो आप लोग इसको ले सकते हो, उस पर भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा यूजिंग कोड केशव लाइव ठीक है। 2999 में यू कैन टेक दिस ऑफर, यू विल गेट केशव लाइव कोड यूज करके यू विल गेट 10% ऑफ हियर ठीक है। उसके अलावा हाउ टू टेक दिस इज यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो। इसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे और नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, यू विल फाइंड अ लिंक देयर। एंड एडवांटेज ऑफ दिस वुड बी दैट यू विल बी एबल टू यू कुड से अटेंड ऑल द रिकॉर्डिंग्स है ना, आप सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स देख पाओगे। सो दैट विल हेल्प अस अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन ठीक है ना। आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ बैकलॉग रह गए हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट्स करने की जरूरत है, तो यू गाइस कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट एज वेल ठीक है। दूसरी ऑफर प्राइस दैट यू कैन डेफिनेटली अवेल। उसके अलावा एक बैच हमारा रिसेंटली स्टार्ट हुआ, बट एज यू नो आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो अकेडमी पर। इफ यू आर 23 कैंडिडेट और 24 कैंडिडेट, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपका जो टेन्योर ऑफ सब्सक्रिप्शन है उस पर आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अनिलू चैंपियंस अ बैच दैट विल बी स्टार्टिंग वेरी सून फॉर क्लैट 24 एस्पिरेंट्स ठीक है। क्लैट 24 एस्पिरेंट्स के लिए बैच रहेगा, केशव लाइव मेरा कोड है, यू कैन यूज इट टू गेट 10% ऑफ राइट। हाउ सेम तरीका, डिस्क्रिप्शन में जाओगे सेम लिंक मिलेगा। तो आइकॉनिक या प्लस दोनों सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। आइकॉनिक और प्लस में डिफरेंस ये होता है कि आइकॉनिक में आपको बुक्स भी मिलेंगी घर पे डिलीवर की जाएंगी फिजिकल बुक्स, और आपको मेंटोरशिप मिलेगी, यहाँ पर एक पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाएगा है ना। और प्लस में यू विल बी हैविंग ऑल दी क्लासेस। तो आइकॉनिक में यू हैव क्लासेस प्लस बुक्स प्लस मेंटरशिप एंड प्लस में यू विल हैव एक्सेस टू ऑल दी क्लासेस। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बी रोलिंग इन दिस पर्टिकुलर यू कुड से न्यू एकेडमिक एरा बोल सकते हो, न्यू एकेडमिक ईयर बोल सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग टुडे इज द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेल प्रोजेक्ट है जो केरला में बनाने वाले ठीक है। केरला में दे आर गोइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। सो द क्रिटिकल वॉइसेज हैव ग्रोन इन स्ट्रेंथ अगेंस्ट द केरला गवर्नमेंट सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट। तो यार अब क्या होता है कि कहीं पे भी इंफ्रा प्रोजेक्ट आता है ना, वेर एवर यू फाइंड एन इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट, यू विल ऑलवेज सी सर्टेन पीपल अपोजिंग इट, बिकॉज वहां पर काफी सारे फॉरेस्ट है ना, काफी सारे ट्रीज आप काटोगे, काफी सारे जो लोग हैं उनको भी आप रीसेटल करोगे। सो दैट हैपेंस एवरीवेयर राइट, वो तो होता ही होता है। सो प्रपोज्ड 529.54 किलोमीटर की लाइन है
जो कि तिरुवनंतपुरम जो सबसे सदर्न डिस्ट्रिक्ट है केरला का, विच इज ऑल्सो द कैपिटल, एंड कासरगोड इन नॉर्थ, 11 डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा 11 स्टेशन से। तो ये कह सकते हो कि काफी फास्ट रेल चलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो फास्ट रेलवे लाइन बनी है 529 किलोमीटर की फ्रॉम तिरुवनंतपुरम टू कासरगोड। इट विल कवर 11 डिस्ट्रिक्ट, इट विल यू कुड से हैव अ हॉल्ट ऑन ईच स्टेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक स्टेशन होएगा ईच डिस्ट्रिक्ट में। फिर जब ये कंप्लीट होगा तो एक इंसान कासरगोड से लेके तिरुवनंतपुरम तक लेस देन 4 आवर्स में जा पाएगा, इन लेस देन 4 आवर्स। तो अप्रॉक्सीमेट स्पीड जो होगी ट्रेन की वो आराम से, मतलब ऐसे कह सकते हो कि 150 किलोमीटर के आसपास की, 150 to 200 किलोमीटर तक रहेगी। तो अभी जो 12 घंटे लगते हैं है ना, राइट नाउ इट टेक्स 12 आवर्स टू रीच फ्रॉम कासरगोड टू तिरुवनंतपुरम, दैट जर्नी विल बिकम 4 आवर्स, वो जर्नी 4 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। आप 4 घंटे की बना पाओगे उस जर्नी को। तो इसकी जो डेडलाइन है प्रोजेक्ट की, इट्स बीन एग्जीक्यूटेड बाय द केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन इस 2025। 2025 तक ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये उन्होंने खुद के लिए एक डेडलाइन सेट करी है, तब तक वो बना देंगे। दे विल यू कुड से मेक दिस प्रोजेक्ट टिल देन एंड इट विल बी रेडी फॉर पीपल टू अवेल दी सर्विसेज, ठीक है। तो एक तरह से हमने अभी उसके बारे में पढ़ा था, वंदे भारत ट्रेन वगैरह के बारे में, तो ये उसी लाइन का एक टॉपिक है विच इज ऑल्सो वेरी रेलिवेंट, ठीक है। तो इट इज बीन एग्जीक्यूटेड बाय द केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। केरला रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको एग्जीक्यूट करेंगे 2025 तक, 2025 तक इसको खत्म करने का प्लान किया उन्होंने, ठीक है। तो के आर डी सी एल और के रेल क्या, इट्स अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन केरला गवर्नमेंट एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। हु इज दर यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, हमारे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है इंडिया में? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने की कि रेलवे मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ यूनियन लेवल पर होता है, कभी स्टेट लेवल पर रेलवे मिनिस्टर नहीं होता है ना, क्योंकि रेलवे सिर्फ यूनियन मिनिस्ट्री है, पूरा का पूरा एक तरह से कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली है रेलवे पे। तो हु इज द रेलवे मिनिस्टर इन इंडिया? गुड, इट अश्विनी वैष्णव है ना, अश्विनी वैष्णव इज आर रेलवे मिनिस्टर, गुड। तो ये क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द प्रेशर ऑन केरलाज हेविली चोक्ड 1800 किलोमीटर के जो हाईवेज हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि केरला में हाईवेज तो है, बट वो सिंस केरला है ना, ऐसा नहीं है कि जहां पर आपने बहुत सारे स्टेट्स में देखा होगा, राजस्थान, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, यहाँ पे ना 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन तक बन जाती है। केरला में वो हर जगह पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वहां पर थोड़े से चैलेंजेस हैं इन चीजों के, है ना, वहां पर इतनी जगह नहीं है, या फिर आपको बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह काटने पड़ेंगे। तो वहां पर 1800 किलोमीटर के हाईवेज हैं, बट वो बुरी तरह से चोक्ड है, मतलब बहुत सारे उस पर व्हीकल्स प्लाई करते हैं। तो इसलिए ये हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी बनाएगा एंड दैट वुड बी वेरी फास्ट एज वेल। दिस हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी फॉर केरला पीपल ऑफ केरला वुड बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फास्ट टू, ठीक है। तो इट विल सब्सटैंशली रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट ड्यू टू डीकंजेशन ऑन रोड एंड विल बेनिफिट टूरिज्म इंडस्ट्री ड्यू टू एफिशियंट मूवमेंट ऑफ विजिटर्स बिटवीन डेस्टिनेशन एंड इकोनॉमिक रेट्स एज वेल। तो केरला टूरिज्म के बारे में आपने सुना होगा, केरला वो गॉड जोन कंट्री बोलते हैं है ना, केरला टूरिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट यू कुड से हाईली रेटेड टूरिज्म इन द कंट्री। तो वहां पर जो भी लोग जाएंगे उनके लिए वहां पर ट्रैवल करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। आपका फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाएगा, जबकि गाड़ियां तेज चलने लगेगी, यू विल हैव एन एडिशनल ऑप्शन इन यू कुड से जो सिल्वर लाइन पूरा प्रोजेक्ट बन रहा है, जो नया रेलवे, उससे आप कनेक्ट हो जाओगे। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर देगा एक तरह से, सो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर पीपल टू ज्वाइन दिस, है ना, लोगों के लिए ज्वाइन करना काफी इजी हो जाएगा ये। ओके okay. सो क्लीन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विद रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन ड्यू टू अ शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट टू सिल्वर लाइन, ठीक है। सिल्वर लाइन क्या होगा यहाँ पे, सिल्वर लाइन इज बेसिकली केप्ट यू कुड से मेड टू कीपिंग इन माइंड कि हमको भाई ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उनमें रिडक्शन लाने हैं हमको, है ना। वी विल हैव टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वी प्रोड्यूस एवरी ईयर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो नॉर्मल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से प्रोड्यूस होता है, यहां से नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रॉपरली अभी ई वाले व्हीकल्स होंगे, जो भी यहाँ पर चीजें चलेंगी, दे विल बी ई व्हीकल्स, ई ट्रेन, इलेक्ट्रिक पे चलेंगी वो, ठीक है। तो एक रोरो फैसिलिटी करके बनेगी विच लीड्स टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स दैट ट्रक, लॉरी एक्सेट्रा इन एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर,
ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनर में आप उसको यूज कर पाओगे, है ना। तो केरला में ना ये सारी चीजें बहुत आती रहती है, जैसे अभी एवरीबडी नोज दैट अगर आपको कैब करनी है तो वी हैव ऊबर एंड ओला, है ना, मोस्टली ऊबर ओला एवरीबडी यूजेस। ऊबर और ओला के अलावा वहां पर यू विल गेट अ न्यू यू कुड से सर्विस, वहां पर आजकल फीडर सर्विसेज शुरू हो गई है कि कैब फीडर सर्विसेज, शेयर ऑटो, ई बस सर्विसेज, बाइक रेंटल स्कीम्स। तो ये बहुत, मतलब केरला इज इन मामले में काफी ज्यादा अच्छे से काम करता है, राइट। तो ई इलेक्ट्रिक व्हीकल का ई चार्जिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ले तो लेंगे बट अगर रास्ते में रुक गए तो चार्ज कैसे करेंगे, बिकॉज पेट्रोल पंप तो आपको हर जगह मिल जाता है, चार्जिंग स्टेशन कैसे मिलेंगे हर जगह। तो उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है केरला, इज वर्किंग रियली वेल इन दीज पर्टिकुलर फील्ड, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फील्ड है वहां पे केरला इज डूइंग अ गुड जॉब। हम लोग काफी सारे प्रोजेक्ट्स पढ़ते रहते हैं केरला से रिलेटेड। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट प्रोजेक्ट पीरियड एज वेल। तो कहीं भी ये ऐसे बोला जाता है कि अगर किसी की भी आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखना है किसी कंट्री में, तो उस कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल विल गेट एम्प्लॉयमेंट, है ना, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इवन आफ्टर दैट, जैसे बहुत सिंपल सी बात है, अभी जब सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो जब बन रहा है सो अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन मेकिंग दिस प्रोजेक्ट, जब ये बन जाएगा तो हर स्टेशन पर इतने सारे लोग एम्प्लॉयड होंगे, है ना, समबडी हु इज क्लीनिंग द स्टेशन टू समबडी हु इज हेडिंग दैट स्टेशन। तो हर लेवल का यू कुड से आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट एंड जनरल रिहैबिलिटेशन ऑफ 10,000 फैमिलीज फ्रॉम 1200 हेक्टर्स ऑफ प्राइवेट लैंड इज अ मेजर कंसर्न। ये बहुत इशू है, क्योंकि जहां जहां पर ये प्रोजेक्ट जा रहा है ना, तो कई बार क्या हो रहा है कि आपको कुछ फैमिलीज को वहां से डिस्प्लेस करना पड़ रहा है। ऑल दो गवर्नमेंट ने बोला है कि हम सबको नई रहने की जगह देंगे, बट स्टिल दे आर बीइंग डिस्प्लेस्ड। 1200 हेक्टर्स ऑफ प्राइवेट लैंड इज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप दिस प्रोजेक्ट, जो कि उन एरिया से भी जाएगा, राइट। तो वहां पर ऑल दो लोगों को नए घर दिए जाएंगे, मतलब नए रहने की जगह दी जाएंगी, बट क्रिटिक्स का मानना है कि दे विल नॉट गेट द फेयर प्राइस, और यू कुड से द फेयर अमाउंट फॉर देयर पर्टिकुलर घर। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं जहाँ रह रहा हूँ, हो सकता है मैं वहां से बहुत पास में काम कर रहा हूँ, व्हाट इफ आई एम गिवन अ घर कहीं दूर, तो दैट वुड क्रिएट कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, राइट। सो एनवायरमेंटल कंसर्न्स एग्जिस्ट ओवर एम्बैंकमेंट्स एलिवेटिंग द ट्रैक अप्रॉक्सिमेटली फॉर 300 किलोमीटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटीरियल एग्रीगेट्स एज वेल। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई कई सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं, एंड इट्स नॉट समथिंग कि ये प्रोजेक्ट में कुछ खराबी है, बट लाइक देर आर सर्टन बेसिक एनवायरमेंटल कंसर्न्स की ये लोग एनवायरमेंट के लिए दिस प्रोजेक्ट माइट टर्न आउट टू बी हार्मफुल ऑल्सो, देर इज अ पॉसिबिलिटी आगे जाके। तो उस पर भी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई वॉट इफ इट टर्न आउट टू बी रियली प्रॉब्लमैटिक फॉर इट, तो हाउ डू वी डील विद इट, इज समथिंग दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू लुक इन टू नाउ, राइट। तो केरला स्टीप ड्रेनेज इज ओरिएंटेड ईस्ट टू वेस्ट एंड मैनी स्पेक्यूलेट दैट एम्बैंकमेंट में एनहेंस द इंटेंसिटी ऑफ एम्बियंट फ्लडिंग थ्रू प्रोजेक्ट प्रोवाइड लीवेज एवरी 500 मीटर। तो अब उनको लग रहा है कि यहां पर जो केरला का जो वाटर फ्लो है ना, उसको थोड़ा सा डिसरप्ट करते हुए केरला और ओपनिंग दे देगा, और फ्लड लाइक सिचुएशन हो सकती है आगे जाके, ठीक है, इट कुड लीड टू फ्लड लाइक सिचुएशन। तो गवर्नमेंट ने कोई भी अभी तक रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, गवर्नमेंट क्या प्रैक्टिस कर रही है, व्हाट इज द गवर्नमेंट ट्राइंग टू डू। मतलब मोटा मोटा सबको पता है कि सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या करेगा, बट कितने पेड़ कटेंगे, कहाँ कहाँ से वो लिए जाएंगे, है ना, उनके बदले कहाँ पर पेड़ वापस लगाए जाएंगे, ये सब अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी रिलीज नहीं किया। तो पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट, है ना, लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है इस बात से। सो दे डू नॉट लाइक समथिंग समथिंग लाइक दिस। तो काफी लोगों ने अपना कंसर्न जताया है। ओके, लास्ट पार्ट, तो केरला का क्या है, इट नीड्स एन इंटीग्रेटेड सेक्टरल अप्रेजल एंड सिंथेसिस ऑफ कंपीटिंग ट्रैफिक कॉरिडोर। ऐसा होता है कि यार केरला को एक आराम से अगर अपने वो इको फ्रेंडली वाटरवेज भी डेवलप कर लेगा ना, क्योंकि केरला तो पूरा कोस्टल स्टेट है, तो वो अपना डीकंजेस्ट कर सकता है हाईवे को बाय अनदर 15%। तो केरला के पास रोड का ऑप्शन भी है, केरला के पास रेल का ऑप्शन भी है, केरला के पास वाटरवेज का ऑप्शन भी है, और एयर का तो चलो सबके पास ही होता है। तो केरला के पास तीनों ऑप्शंस हैं। तो केरला कैन वर्क इक्वली ऑन ईच टू मेक देयर ट्रैवल ट्रैवल इनसाइड केरला वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल।
Right, because Kerala has the potential. Kerala can provide people with these kinds of opportunities. Right. Next quick topic again, which is the Puri Heritage Corridor. ठीक है, मैं यही टॉपिक कराऊंगा और इसके बाद में मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। तो पुरी हेरिटेज कॉरिडोर के बारे में आपको ये, मतलब ये मैंने पहले एक बार एक दो बार करवाया हुआ है। तो इसमें क्या है कि इंडिया में ना मेजर चार धाम है, ठीक है, इंडिया के पास मेजर चार धाम है जो चारों अलग अलग इंडियन की साइड्स पे हैं। तो जो नॉर्थर्न साइड में हमारा, नॉर्थ साइड में जो धाम है दैट इज कॉल्ड केदारनाथ, ठीक है, जो हमारा वेस्टर्न साइड में दैट्स कॉल्ड द्वारका, ये गुजरात में है, जो हमारा सदर्न साइड में है दैट्स कॉल्ड रामेश्वरम, और हमारा जो ईस्टर्न साइड में है उड़ीसा में जो है दैट इज कॉल्ड जगन्नाथपुरी, मतलब जगन्नाथ टेम्पल है, जगन्नाथपुरी बोलते हैं उसको बिकॉज दैट इज इन पुरी। तो पुरी इज अ प्लेस इन उड़ीसा, ठीक है, इट्स अ वेरी फेमस पिलग्रिमेज प्लेस इन उड़ीसा, बट वहां पर ऐसा देखा गया है कि इट डज नॉट, इट इज नॉट वेरी अपीलिंग। अगर कोई वहां पर टूरिस्ट वगैरह आएंगे तो उनके लिए बहुत अपीलिंग नहीं है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट एम्बिशियस टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट उन्होंने भी बनाया है कि उसको हम लोग थोड़ा ज्यादा लोगों को अट्रैक्टिव, लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं, लेट्स मेक दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव। जैसे मैंने आपको बताया, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आता है तो दैट इज ऑलवेज अंडर कॉन्ट्रोवर्सी कि आप कुछ यहाँ पर एनवायरमेंटल कंसर्न और वो सब चीजें आ जाती है। तो इट्स अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट टू क्रिएट एन इंटरनेशनल हेरिटेज साइट इंक्लूडिंग द जगन्नाथ टेम्पल। 2016 में उसको कंसीव किया गया था, 2019 दिसंबर 2019 एकदम एंड में उसको अनवील किया गया, बट क्योंकि कोविड आ गया तो उस पर बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। राइट, द प्लान हैड कम इन 2016, इट वॉज मेड पब्लिक इन डिसम्बर 2019, वेरी लेट इन 2019, बट 2019 के फर्स्ट हाफ में ही, फर्स्ट क्वार्टर में ही हमारा कोविड शुरू हो गया था, एंड दैट इज वाई वी कुडंट डू मच। ठीक है, अच्छा नॉर्थ, सॉरी 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 सॉरी, माई बैड माई बैड माई बैड, ठीक है, नॉर्थ में बद्रीनाथ है, ठीक है, नॉर्थ में बद्रीनाथ है, या दिस इज माई माई फॉल्ट, सॉरी। तो अंडर द अम्ब्रेला प्रोजेक्ट फॉर द श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर और श्री मंदिर परिक्रमा प्रोजेक्ट फॉर द रीवैम्प ऑफ द एरिया अराउंड द टेम्पल, हर साल ना हजारों लाखों लोग जगन्नाथ टेम्पल में दर्शन करने जाते हैं। इट्स अ वेरी फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट। द उड़ीसा गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप दैट एंटायर एरिया, ठीक है, वो पूरे एरिया को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट इंक्लूड्स श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग रीडेवलपमेंट, जो पूरा बिल्डिंग है वो, 600 कैपेसिटी श्री मंदिर रिसेप्शन सेंटर, पुरी लेक, मूसा रिवर रिवाइवल प्लान। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट विल बी रीडेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द पुरी हेरिटेज कॉरिडोर। ठीक है, देर इज अ 600 कैपेसिटी का श्री मंदिर रिसेप्शन सेंटर, पुरी लेक, मूसा रिवर है उसको भी रिवाइव करेंगे, और जो मेन जो टेम्पल है उस पर तो काम करेंगे ही करेंगे। राइट, इट इज वन ऑफ दी वेरी फेमस पिलग्रिमेज साइट। अगर आप लोगों में घर में किसी में कोई रिलीजियस है ज्यादा, जहाँ जनरली हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो हर वो होता है ना कि एवरी मुस्लिम वॉन्ट्स टू गो टू हज एक बार जिंदगी में। तो इंडियंस के लिए, जो इंडिया में जो हिंदू रहते हैं पर्टिकुलरली, उनके लिए ऐसा होता है कि दे वॉन्ट टू गो टू ऑल दीज चार धाम अपनी लाइफ में एक बार। तो उड़ीसा गवर्नमेंट इज लिस्टेड थ्री ऑब्जेक्टिव्स फॉर रिवैम्प ऑफ द एरिया। द सिक्योरिटी ऑफ द टेम्पल इज द फर्स्ट वन, कि भाई हम सिक्योरिटी को थोड़ा और ज्यादा सख्त करेंगे, इतने लोग आते हैं, सेफ्टी ऑफ द डिवोटीज एंड क्रिएशन ऑफ अ रिलीजियस एटमोसफियर फॉर डिवोटीज, है ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई यहाँ पर आसपास से सामान बिक रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये इट शुड लुक गुड, मतलब ऐसा थोड़ा सा फील आना चाहिए, है ना। इंडिया में आप बहुत सारी जगहों पर जाओगे तो आपको बहुत फील आता है। इफ यू हैव बीन टू दिस वैष्णो देवी टेम्पल, वहां पर बहुत फील है ना, इट्स अ वेरी रिलीजियस फीलिंग देयर। अगर आप बड़े बड़े अच्छे ऐसे चर्च भी जाओगे, मॉस्क भी जाओगे, तो वहां पर ऐसी फीलिंग आती है, इट्स अ रिलीजियस फीलिंग विच एज पर दी उड़ीसा गवर्नमेंट इज स्लाइटली मिसिंग इन पुरी। तो वो उस पर काम करेंगे अब। राइट, टू गवर्नमेंट अलॉटेड फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट फॉर इट्स ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज आर्किटेक्चर एट पुरी। तो इसको अबाधा स्कीम बोलते हैं,
अबाधा स्कीम का फुल फॉर्म लिख सकते हो, ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर एट पूरी, राइट? आवाज नहीं आ रही आपकी यार, वो तो आई थिंक आपका फोन में शायद आवाज बंद है, वरना आवाज आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो भी बोला है वो भी आपको सुनाई नहीं देगा, तो हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस? तो अब आधा में क्या करेंगे वो, उसके अंडर वो लैंड एक्वायर करेंगे कुछ आसपास का, आसपास की रोड को इम्प्रूव करेंगे, जो लोग वहां पर हैं वो रिहैबिलिटेशन एंड सेटलमेंट उनका किया जाएगा, अगर किसी मान लो लोगों को वहां से हटा दिया गया, राइट? पूरी बहुत डेवलप हो गया। हाँ, पिछले आज 5 साल पहले की सिचुएशन देखो, अभी की सिचुएशन देखो, इट्स डेवलप्ड बहुत ज्यादा है ना, और बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी इन एंड अराउंड श्री जगन्नाथ टेम्पल, राइट? आई एम न्यू स्टूडेंट, आई हैव सम डाउट। मैं आपके डाउट्स क्लास के एंड में कवर कर लूंगा, है ना? अगर आपको जो भी डाउट्स है, आई विल गिव यू सम टाइम टू आस्क एट द एंड ऑफ दिस क्लास, तो विद इन लाइक 10-12 मिनट्स, ओके? तो टेम्पल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर 12th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, ठीक है? इसको 12th सेंचुरी में बनाया गया था बाय किंग आनंद वर्मन शोध गंगा देवा ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग थे, 12th सेंचुरी में ही हैड क्रिएटेड दिस टेम्पल, तो करीब 1000 साल पुराना टेम्पल है ये। तो इट्स कॉल्ड यामनिक तीर्थ, वेयर अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ द पावर ऑफ यम, यम को पता है ना, यम यमराज, यमराज इज बेसिकली द गॉड ऑफ डेथ, है ना? तो गॉड ऑफ डेथ हैज बीन नलिफाइड इन पुरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। तो यहां पर यह मान्यता है कि वहां पर लॉर्ड जगन्नाथ के होने की वजह से हमने यमराज को भी हरा दिया था एक तरह से, तो इसको यामनिक तीर्थ बोलते हैं इसलिए, राइट? सो दिस टेम्पल इज कॉल्ड व्हाइट पगोड़ा एंड इज पार्ट ऑफ द 4 धाम पिलग्रिमेज, ठीक है? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम, ये 4 धाम है हमारे पास इंडिया में। एक नॉर्थ इंडिया के 4 धाम है, वो एकदम अलग है, वो उत्तराखंड के वो 4 धाम है एकदम, दे दो, दे आर वेरी डिफरेंट, राइट? सो दीज आर 4 गेट्स टू द टेम्पल। ईस्टर्न सिंह द्वार विच इज द मेन गेट विद 2 क्राउचिंग लायंस, सदर्न अष्ट द्वार विच इज यू कुड से सदर्न साइड ऑब्वियसली, वेस्टर्न व्यग्र द्वार एंड देन वी हैव हस्ती द्वार। ये 4 द्वार, इनके प्लीज नाम लिख लेना आप, और इनकी साइड्स भी लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? अश्वत्थ द्वार, व्यग्र द्वार, सॉरी दिस इज सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन। प्लीज लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। सिंह द्वार, अश्व द्वार, व्यग्र द्वार एंड हस्ती द्वार, ठीक है? और इसमें आगे क्या है, एंट्रेंस वाली साइड में देयर इज दिस थिंग कॉल्ड अरुण स्तंभ। अरुण स्तंभ है, उसको सन पिलर बोलते हैं, विच वॉज ओरिजिनली एट द सन टेम्पल इन कोणार्क। तो कोणार्क एक और बहुत फेमस सन टेम्पल है, यहाँ पर ना बहुत ही अलग साइंटिफिक तरह से बना हुआ है ये टेम्पल, कि यहाँ पर ना कुछ शेडो का अलग चक्कर है, कि एक जगह शेडो आती है एक जगह नहीं आती, और इट्स वेरी डिफरेंट। तो आप इंडियन आर्किटेक्चर देखोगे ना, जो पुराने टेम्पल्स वगैरह बने हुए हैं, तो वो ना बहुत ज्यादा, मतलब इंडिया का जो साइंस था वो बहुत ज्यादा लेवल पर बढ़ा था, मतलब देर हैव बीन पीपल हु कम फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट साइंस वॉज इन्वॉल्व इन दैट, इन द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टेम्पल। और वो साइंस अभी लगाते हैं तो लगता है कि चलो ठीक है, लेकिन वैसा साइंस 1000 साल पहले, 2000 साल पहले हमने लगाया हुआ है, सो दैट यूज टू बी अ ह्यूज थिंग एट दैट टाइम, मतलब किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमने वो टाइम पर करके दिखाई हुई ऐसी चीजें। राइट? तो इंडिया हैज बीन यू कुड से अ कंट्री विच हैज बीन रिच इन कल्चरल हेरिटेज, ये तो मतलब विदाउट एनी डाउट दैट गोज। लास्ट पार्ट ऑफ दिस, अब इसमें कॉन्ट्रोवर्सी क्या है, वॉट इज द कॉन्ट्रोवर्सी? एक्सपर्ट एंड मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ हैवी मशीनरी फॉर डिगिंग, साइटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स इंपैक्ट ऑन द टेम्पल। अब ये माना जा रहा है, ठीक है, अब ये माना जा रहा है कि जो पर्टिकुलरली वहां पर डिगिंग होगी
उससे टेम्पल को बहुत नुकसान पहुंच सकता है ना, दैट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द टेम्पल। इसलिए बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस रेज करे विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, तो जगन्नाथ टेम्पल इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर लाया जाता है। इट्स अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, मतलब सरकार पैसा देती है, सरकार एफर्ट्स करती है इस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को सेफ रखने के लिए। तो एक हमारा एक्ट है विच इज कॉल्ड द एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स, AMASR एक्ट बोलते हैं उसको, सॉरी AMSAR एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। 2010 का ये एक्ट है, तो उसमें दे रखा है कि भाई 100 मीटर के और 200 मीटर के अंदर अंदर आप कोई भी डिमोलिशन या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। ठीक है, डिमोलिशन विद इन 100 मीटर्स एंड एनी कंस्ट्रक्शन विद इन 200 मीटर्स यू आर नॉट अलाउड। बट अभी उड़ीसा गवर्नमेंट करेगी ये, सो दैट इज ऑल्सो बिकम अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी, है ना। दैट इज ऑल्सो बिकम अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी एंड इट्स अ मैग्निफिसेंट टेम्पल, है ना। जो जो लोग भी इंटरेस्टेड है थोड़े टूरिज्म वगैरह में, कल्चरल टूरिज्म में, दे शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस सम टाइम। तो एज पर द AMASR अमेंडमेंट, कंस्ट्रक्शन इज प्रोहिबिटेड विद इन 100 मीटर पेरिफेरी ऑफ अ प्रोटेक्टेड एरिया, और एरिया एक्सटेंडेड टू 200 मीटर अराउंड द टेम्पल इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रेगुलेटेड एरिया। ठीक है, कुछ रेगुलेटेड एरिया होता है, कुछ ऐसा एरिया होता है जहां पर कंस्ट्रक्शन एकदम भी अलाउड नहीं ही है। तो 100 मीटर में तो एकदम ही प्रोहिबिटेड है, और 200 मीटर में आपको परमिशन चाहिए, ठीक है ना, उसके आपको परमिशन चाहिए। तो जो AMASR एक 2010 में आया था, तो उसके एक साल बाद एक नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी बनाई गई थी इसके अंदर। अब नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी वॉज मेड इन 2011 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जो देखते हैं कि भाई कैसे कैसे हम लोग प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड साइट्स को। सो हाउ विल वी वर्क ऑन दैट इज द यू कुड से वर्क ऑफ द नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी टू सेटअप अ प्लान फॉर दैट। उसके लिए प्लान बनाने का काम है इनका, राइट। मैं अब आपसे ना कुछ लेट्स डू सम क्वेश्चंस इन दिस, एक सेकेंड, मैं जस्ट फिगर दैट आउट। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पे। परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, यस, मतलब रेलेवेंट अथॉरिटीज बनी हुई है, वो जो अथॉरिटी है ना नेशनल जो पर्टिकुलर उसके लिए, उसमें उससे भी पूछना पड़ेगा आपको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली द मेन अथॉरिटी, तो ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है। एज पर द पैसेज देर हैज बीन अ रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस, हाँ पुलित्जर प्राइज के कर लो यार, पुलित्जर प्राइज इंपॉर्टेंट होता है। देर हैज बीन अ रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड विच पर्टिकुलर कंट्री एज पर द पैसेज, करेक्ट। सो द आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इट्स लिथुएनिया, ठीक है, लिथुएनिया इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड द रिफ्ट, रीजन क्या है रिफ्ट का, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, इट्स लिथुएनिया अलाउड ताइवान टू यूज इट्स ओन नेम टू ओपन एन ऑफिस इन द EU, जो कि उनकी वन चाइना पॉलिसी के अगेंस्ट है। इन विच ईयर हैड द अफोरमेंशन्ड ऑफिस बीन कंस्ट्रक्टेड इन लिथुएनिया, तो ताइवान का वो जो ऑफिस है वो कौन से साल में वहां पर बन गया था। सो दैट पर्टिकुलर ताइवान ऑफिस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 2021, ठीक है, पिछले साल बना है। एज पर वन चाइना पॉलिसी ताइवान ऑफिसेज इन कंट्रीज आर नेम्ड एज वॉट, ताइवान के जो ऑफिसेज हैं उनके आगे आपको क्या लगाना पड़ता है,
तो यू यूज चाइनीज डैश एंड डैश इसमें से एक है। करेक्ट। तो इट्स ऑप्शन नंबर डी, इट्स चाइनीज ताइपी। ठीक है, चाइनीज ताइपी। हु इज द पीएम ऑफ लिथुएनिया? लिथुएनिया का पीएम कौन है? सो लिथुएनिया पीएम इज ऑप्शन नंबर ए, इट्स इनग्रीडा सिमोनिटे। ठीक है, इनग्रीडा सिमोनिटे। लास्ट पैसेज फॉर टुडे, विच पोर्ट हैज बांग्लादेश हैंडेड ओवर टू इंडिया फॉर यूज? बांग्लादेश ने कौन सा पोर्ट हमको दे दिया यूज करने के लिए? तो इट इज दी चिटगांग पोर्ट। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, चिटगांग पोर्ट। मैत्री सेतु इज बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? मैत्री सेतु कौन से रिवर पर बना हुआ है? मैत्री सेतु इज बिल्ट ओवर दिस रिवर कॉल्ड रिवर फेनी। डी इज द करेक्ट आंसर यहां पे, रिवर फेनी इज द करेक्ट आंसर। मैंने पहले भी बोला है, एक दूसरे के भरोसे मत रहो। कमेंट बॉक्स में एक ने ए कर दिया तो सबने ए कर दिया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मैत्री सेतु? मैत्री सेतु का लेंथ क्या है? तो लेंथ ऑफ मैत्री सेतु इज 1.9 किलोमीटर। ठीक है, 1.9 किलोमीटर लेंथ ऑफ मैत्री सेतु। चिटगांव पोर्ट इज लोकेटेड एट द बैंक ऑफ विच रिवर? कौन सी बैंक, कौन सी रिवर के बैंक पे इज इट लोकेटेड? चिटगांव पोर्ट जो उन्होंने अभी फिलहाल हमें दिया है, इंडिया को यूज करने के लिए दे दिया है। इट्स ऑप्शन नंबर सी, विच इज कर्णाफुली। ठीक है, इट इज द कर्णाफुली रिवर, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच कंट्री इज प्रेजेंटली इन्वॉल्व इन रीडेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ चिटगांग पोर्ट? इनके रीडेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के लिए कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है अभी? एंड दैट इज अ मेजर कंसर्न ऑफ इंडिया। आई हैव गिवन यू गुड इनफ हिंट नाउ। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चाइना। ठीक है, चाइना इज द करेक्ट आंसर। सो दैट इज इट फ्रॉम माई एंड गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। आई होप इट वॉज यूजफुल। अगेन वी वर एबल टू डिस्कस टू रिविजन टॉपिक्स। वी विल कीप डूइंग दिस। मैं कल भी एक क्लास करूंगा इसमें, जहां पर हम लोग कुछ और चीजें रिवाइज कर लेंगे। राइट, एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। बाय गाइज, हैव अ गुड डे। आई सी यू अगेन एट 5:30 दो। ठीक है, 5:30 पर हम लोग हमारा चैंपियनशिप क्लास कर रहे हैं। दैट इज द लास्ट क्लास फ्रॉम माई साइड टुडे। ठीक है, 5:30 पे वी विल एंड दिस। बाय। एक्सपेक्टेड डेट फॉर क्लैट 24। एक्सपेक्टेड डेट इज December 23। अब डेट तो नहीं पता, लेकिन मंथ पता है। अगले साल दिसंबर में होगा एग्जाम, है ना? हर साल दिसंबर में होगा क्लैट एग्जाम अब, राइट? हाँ, हर साल दिसंबर में होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं 5:30 पर वापस से। वी विल डू टू मोर टॉपिक्स एंड विल डू सम क्विज क्वेश्चंस एज वेल देयर।
Thank you guys. Have a good day. Bye.